भारत और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टेस्ट मैच भारत ने जीत कर टीम इंडिया के फैंस को दोहरी खुशी दे दी है। जी हाँ, पहली खुशी तो ये है कि भारत पहली बार ऐसा हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया को एक ही सीरीज में दो टेस्ट मैचों में हराया हो, और दूसरी खुशी ये है कि भारत के कप्तान विराट कोहली साल के अंत तक टेस्ट के नंबर वन बल्लेबाज बने रहे। कोहली ने इस साल कुल 1322 रन बनाकर सबसे ऊपर रहे और साथ में 937 पॉइंट्स भी मिले, और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भारतीय बल्लेबाज को एक साल में इतने अधिक पॉइंट्स मिले हैं। विराट कोहली इस स्थान पर 135 दिनों से बने हुए हैं। वहीं दुनिया के नंबर वन गेंदबाज रहे रबाडा। आपको बता दें कि चेतेश्वर पुजारा अभी भी चौथे स्थान पर बने हुए हैं। साथ ही विकेट कीपर ऋषभ पंत 10 पैदान छलांग लगाकर अपने कैरियर के सर्वश्रेष्ठ 38 रैंक पर पहुंच चुके हैं। वहीं मयंक अग्रवाल भी टॉप के बल्लेबाजों में शामिल हो चुके हैं, उनका आईसीसी में स्थान 67वां है। और वहीं जसप्रीत बुमराह ने आखिरी टेस्ट मैच में 9 विकेट निकाले थे और उनका स्थान 12वां हो गया है। नेक्स्ट लाइन स्पोर्ट्स के लिए लव कुमार की रिपोर्ट।